सबों को जय यीशु की। आज हम फिर से एक और बार प्रभु की स्तुति आराधना करने एकत्र हुए हैं। प्रभु के महान कार्यों के बखान करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। प्रभु के दिए हुए हर एक वरदान के लिए धन्यवाद देने हम फिर से एक साथ आए हैं। प्रभु के दिव्य वचन को सुनने के लिए हम आज फिर से एक साथ आए हैं। आज एक और सुंदर दिन प्रभु ने हमें बख्शा है, एक और सुंदर दिन प्रभु ने हमारी झोली में डाला है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति आराधना कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम पवित्र बाइबल से संत लूकस के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक, दुर्बल स्त्री को स्वास्थ्य लाभ। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्ष से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए, उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इस विश्राम के दिन इस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आज जैसा कि वचन हमें बताता है कि कैसे प्रभु ने 18 वर्ष
से बीमार उस औरत को चंगा किया। 18 वर्ष से उस औरत को अबदूत लगा हुआ था, उस वजह से वो बीमार थी और पूरी तरह झुकी हुई थी। लेकिन उस वक्त उसको प्रभु के पास जाने की जरूरत थी। वचन हमें बताता है कि वो औरत किसी भी तरीके से सीधी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु के पास क्यों गई? वो सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसे ये पता था कि उसे प्रभु की जरूरत है और सिर्फ प्रभु ही उसको चंगा कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ वो उस दिन प्रभु के पास गई। वो विश्राम का दिन था, लेकिन फिर भी वो उसकी जरूरत थी कि वो प्रभु के पास जाए, इसलिए उसने वो दिन भी नहीं देखा और वो प्रभु के पास गई। उसी तरह उसके विश्वास के जवाब में प्रभु ने उसको देखा और उसको अपने पास बुलाया। उस समय वो विश्राम दिन प्रभु के लिए भी था, लेकिन उसकी उस औरत की बीमारी को, उस औरत की जरूरत को देखकर, उस औरत के विश्वास को देखकर प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया और उसको उसकी बीमारी से चंगा किया। और जैसे ही वो चंगी हुई, वो एकदम सीधी खड़ी हो गई सिर्फ प्रभु के शब्द कहने से। प्रभु ने उस औरत को ये कहा कि नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गए हो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मुक्त हो जाओगे, प्रभु ने कहा तुम मुक्त हो गए हो। आज हम भी विश्राम दिन को देखते हैं। प्रभु ने 7 दिन इतना मेहनत करके इस ब्रह्मांड को रचा, हम सबको रचा। हम भी उन अधिकारियों की तरह हो जाते हैं जिन्होंने सभागृह में प्रभु से, हम भी उन अधिकारियों की तरह हो जाते हैं जो सभागृह में प्रभु से चिढ़ गए थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभु ने उस औरत को विश्राम के दिन उस औरत को चंगा किया था। हम भी उस अधिकारी की तरह हो जाते हैं, हम विश्राम के दिन को देखते हैं। प्रभु ने इतनी चाह से हम सबको रचा, इतने प्रेम से हम सबको बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करी और 7वें दिन प्रभु ने हमारे लिए पूर्ण रूप से उसको देने के लिए बनाया। लेकिन हम उस 7वें दिन को सोचते हैं कि आज के दिन कोई काम नहीं है। ये उचित है कि कोई काम नहीं होता, उस दिन छुट्टी का दिन है वो, लेकिन उस दिन पवित्र मिसा सबसे अहम होती है। प्रभु ने वो दिन विशेष तौर से सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हम प्रभु के पास जा सकें, उसके बदन को ग्रहण कर सकें, उसको अपने शरीर के अंदर जगह दे सकें। लेकिन हम कभी कभी ये सोचते हैं
कि एक ही तो दिन है जो छुट्टी का दिन है। इतनी मेहनत करते हैं हम 6 दिन और एक दिन मिलता है छुट्टी का, लेकिन प्रभु हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं करता है। प्रभु निरंतर हमारे लिए काम करता रहता है, निरंतर हमको आशीष दे रहा होता है। इस वक्त भी प्रभु आपकी रक्षा कर रहा है। इस वक्त जब आप इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, टीवी चैनल को देख रहे हैं, इस वक्त भी प्रभु आपके साथ है। चाहे वो संडे हो, चाहे वो कोई भी छुट्टी का दिन हो, लेकिन प्रभु आपके साथ हर समय है। वो आपकी दुआओं को सुनता है। जब प्रभु आपके साथ है तो वो आपकी दुआ को भी सुनता है, लेकिन वो चीज जो आपने दुआ में मांगी है, जिस चीज के लिए आपने दुआ करी है, उसे पता है कि वो दुआ कब पूरी होनी है, क्योंकि वो हमारा भविष्य भी जानता है। जब कभी कभी वो दुआ पूरी नहीं होती तो हम प्रभु को कुछ कुछ कहने लगते हैं कि हे प्रभु, कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और हमको ये क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरे प्यारियों, प्रभु हमसे अच्छे से जानता है कि उस चीज की हमें कब जरूरत है। वो जो स्त्री थी, उसकी जरूरत को प्रभु अच्छे से जानता था। प्रभु ने अपने आप उसको बुलाया, उस स्त्री ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन प्रभु जानता था उसकी जरूरत को, और प्रभु ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया, उसको पूर्ण रूप से चंगा किया। आइए हम उस स्त्री की तरह विश्वास रखें और प्रभु से आज प्रार्थना करें। आइए आज हम उस औरत की तरह बने जो अपने विश्वास को लेकर, अपने दृढ़ विश्वास को लेकर प्रभु के पास गई और उसने प्रभु पर विश्वास रखा। उसकी आस सिर्फ प्रभु थी, उसकी जरूरत सिर्फ प्रभु थी। आज हम प्रभु को अपनी जरूरत बनाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, आज प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी हर एक जरूरत को जानता है। प्रभु आपकी हर एक जरूरत को जानता है। आज प्रभु से पूर्ण रूप से प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। आज प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। वो अभी भी आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, लेकिन आपके विश्वास के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अपने विश्वास को मजबूत बनाएं।
अपने विश्वास को उसके ऊपर लगाएं। आइए हम उस पर विश्वास रखें, उस अपनी प्रार्थनाओं को उसके चरणों में समर्पित करें, उसको पूर्ण रूप से अपना बनाएं, पूर्ण रूप से उस पर विश्वास रखते हुए उसकी ओर बढ़ें, उसके पास जाएं, अपने पापों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करें और वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, अरमान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, अरमान सारी खताएं मानता हूं तेरा करूं अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, अरे मां यीशु, तू महान ईश्वर है, आज हम अपनी प्रार्थनाओं को अपनी जरूरतों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमसे बेहतर तरीके से जानता है, कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ओ यीशु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। इस प्रोग्राम से जुड़े हुए इस वक्त जो भी हमारा भाई हमारी बहन हमसे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, ओ यीशु उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करिए। एक आप ही हमारी आस है यीशु, हमारी जरूरतों को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। तू महान ईश्वर है ईश, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर ईश। वो यीशु, हम तेरे बच्चे हैं, हमको अपना पवित्र आत्मा दे, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है, हमारे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है। हमें अपना ज्ञान दे यीशु, अपना ज्ञान दे यीशु। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, अरमान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, अरमान सारी खताएं मानता हूँ तेरा
करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। तू सच्चा प्यार करने वाला है यीशु, तो अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता है। लेकिन हम अपने पापों की वजह से तेरे से दूर होते रहते हैं। यीशु, आज हम अपने पापों का दिल से पछताते हैं यीशु, हम अपने पापों के लिए दिल से पछताते हैं यीशु। यीशु, तू हमें हर समय ये बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है यीशु। लेकिन हम अपने पापों के कारण उस तेरी पावन वाणी को नहीं सुन पाते। आज यीशु जो भी हमने प्रार्थना मांगी है यीशु, उस प्रार्थना के लिए हमें ये बता कि वो प्रार्थना, कि वो चीज हमारे लिए जरूरी है, अच्छी है या नहीं, हमारी भलाई के लिए है या नहीं। यीशु हमें अपना ज्ञान दे यीशु। जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। यीशु, तू हमारी भलाई चाहता है यीशु, तू ये अच्छे से जानता है यीशु कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है यीशु। इसके बावजूद हम तेरे से एक ही चीज की जिद करते रहते हैं यीशु,
ओ यीशु, जब वो चीज नहीं मिलती है फिर आप मान करते हैं, तो हमें आवाज दे देकर बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन हम अपने पापों के कारण वो आवाज नहीं सुन पाते यीशु, हम तेरे से दूर हो जाते हैं यीशु। आज हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए तेरे पास आए, हमसे बात करिए यीशु। ओ यीशु, हम दुर्बल हैं यीशु, अपना बल दे यीशु ताकि हम पूर्ण रूप से तेरे हो जाएं। ओ यीशु, तो हमारे दिल में वास, तो हमारे दिलों में अपनी पावन आत्मा को भेज, पावन आत्मा से हम सबको भर दे यीशु, हर एक जन को प्रार्थना करनी सिखा यीशु। ओ यीशु, हमारे दिलों में बात कर यीशु। दिल में जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। तू महान है यीशु, यीशु हमारे दिल में सिर्फ पाप ही पाप भरा है यीशु। आज हमारे दिल में वास कर यीशु, अपने पावन लहू से हमारे दिलों को धो, हमारे दिल को आज धो दे यीशु। तू ही हमारा मसीह है यीशु, हम अपने सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, हर एक कमी घटी के लिए हम पश्चाताप करते हैं यीशु, उन क्षणों के लिए पश्चाताप करते हैं यीशु जब हमने तुझे छोड़ दिया था यीशु, उस वक्त को हम तेरे से दूर हो गए थे यीशु। आज हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए तेरे पास आए हैं यीशु, तेरे पास आए हैं यीशु, सच्चे दिल से तेरे पास आए हैं यीशु। आज हमारे दिलों को धो दे यीशु, हमारे दिलों को पावन कर यीशु, पावन करिए। जाना सभी को आंख वही है, होगा जहां इंसान, दो दे दिलों को आज हमारे, कर दो लहू से हमारे, कर दो लहू से सा, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा अरमान।
करता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। तू महान है यीशु, तो हमारी जरूरतों को जानता है यीशु। आज हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे को समर्पित करते हैं यीशु, अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे को समर्पित करते हैं यीशु। तू महान ईश्वर है, तू राजाओं का राजा ईश्वर है। अपने पावन भंडार में से हमको पवित्र आत्मा का वरदान दे, हमको ज्ञान का वरदान दे यीशु, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है यीशु। क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है यीशु, क्या हमारे लिए भला है और क्या हमारे लिए भला नहीं है यीशु। तू सच्चा चरवाहा है यीशु, हम तेरी भेड़े हैं यीशु, हमारा चरवाहा। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं यीशु। तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हम आज तेरे से दिल से दुआ करते हैं यीशु, क्योंकि दुआ से बढ़कर कोई भी दुआ नहीं है यीशु, दुआ से बढ़कर कोई भी हल नहीं है यीशु, और तुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है यीशु। हम विश्वास करते हैं यीशु, तू ही हमारा सब कुछ है यीशु। पूर्ण रूप से हम तुझे स्वीकार करते हैं यीशु, पूर्ण रूप से हम तुझे अपना मानते हैं यीशु। आज हमारी प्रार्थनाओं को ले, हमारी परेशानियों को ले, हमारे दुखों को ले, हमारे कष्टों को ले यीशु, हमारी बीमारियों को ले यीशु। महान ईश्वर है तू यीशु, तू ही हमारा प्रभु है यीशु। तुझसे बढ़कर और कोई नहीं है यीशु, तुझसे बढ़कर और कोई नहीं है यीशु। ओ यीशु, धन्यवाद यीशु। दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। दुआ से
से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। कबूल कर ली मेरे लिए सूली भी, क्या क्या दुख उसने सहा नहीं। कबूल कर ली मेरे लिए सूली भी, क्या क्या दुख उसने सहा नहीं। कुपियों में आओ तेल भर लो, कि अब और वक्त बचा नहीं। यीशु, हम विश्वास करते हैं यीशु, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, तू महान राजा हमारे साथ हर पल रहता है यीशु, हर पल हमारी मदद करता है यीशु, हमारी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। हम तुझे पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से हम अब तेरे को मानते हैं यीशु। तेरा धन्यवाद हो यीशु। दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, उन क्षणों के लिए जब हम तुझे भूल गए यीशु, हम अपने घमंड में रहे यीशु, उस समय को हम याद करते हैं यीशु, उस समय को हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु। ओ यीशु, तू ही महान ईश्वर है यीशु, आज हर एक की प्रार्थना को स्वीकार करिए। ओ यीशु, हर एक को शुद्ध करिए यीशु, हर एक के पापों से उनको शुद्ध करिए यीशु। तू जानता है यीशु कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रार्थनाएं हैं, क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, तू जानता है ईश्वर, सब कुछ जानने वाला ईश्वर। ओ ईश्वर, अपने पूरे दिल को समर्पित करते हुए हम आज तेरे से प्रार्थना करते हैं ईश्वर। कहा नहीं,
जब तक मसीह को न दे दे ये जीवन, तब तक ये वफा वफा नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। ओ यीशु, हम तुझे अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं आज, यीशु दिल से हम तुझे अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं। यीशु हम अपने पापों की वजह से देर से दूर चले गए थे, यीशु हम आज देर से प्रेम करते हैं, यीशु हमें कृपा दे कि हमारा प्रेम तेरे प्रति और बढ़े, ताकि हम तेरे ही रहें, यीशु अपने प्रेम का अनुभव करवाए, यीशु ताकि हम तेरे ही रहें, यीशु और पापों से दूर रहें, यीशु तेरे पावन बच्चे बन के रहें, यीशु वो यीशु तो शांति का परमेश्वर है, यीशु हमें शांति का वरदान दे, वो यीशु पावनात्मिक शांति हमें दे, यीशु पावनात्मा से हमें भरी, यीशु पावनात्मा को हमारे दिल में वास करवा, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम कर, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम कर, शांति का परमेश्वर आप ही, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। वो दोस्त भी है और रहनुमा भी, अपना तो कोई उसके सिवा नहीं, वो दोस्त भी है और रहनुमा भी, अपना तो कोई उसके सिवा नहीं,
वाली बनकर उससे जुड़े रहो। कोई पेड़ उसके बगैर फला नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। उस पावन आत्मा को महसूस कीजिए, उस त्रिएक ईश्वर को महसूस कीजिए जो हर पल हमारे साथ रहता है, हर पल हमारी जरूरतों को जानता है, हर पल हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हर पल हमें याद करता है, लेकिन हम सिर्फ जरूरत के समय उसको याद करते हैं। उन क्षणों के लिए माफी मांगिए और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए प्रभु को, पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाइए, अपने जीवन को प्रभु का बना दीजिए। वो त्रिएक ईश्वर, हम पापी होने के बावजूद वो हमारे लिए इंतजार करता है, वो हमारा इंतजार करता है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, कि कब मेरी बच्ची मेरे पास लौट कर आएगी। आज वो प्रेमी ईश्वर अपने हाथों को खोलकर आपके आपको बुला रहा है, अपने सच्चे दिल से पश्चाताप कीजिए और उसके पास लौट जाइए, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको गले से लगाएगा। वो विनतियों को सुनने वाला ईश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर। आराधना स्तुति कीजिए उसकी, वो महान ईश्वर है, वो आज हर एक जन को गले लगाएगा, हर एक जन को अपना बनाएगा, हर एक जन की मनोकामनाओं को पूरी करेगा, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, उसने हमसे इतना प्यार किया कि हम पापियों के लिए क्रूस पर इतना बड़ा बलिदान दिया, क्रूस पर अर्पित हो गया, वो हमसे कितना प्यार करता है। उस प्रेम को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए जो प्रभु इस वक्त आपको दे रहा है, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, प्रभु के स्पर्श को महसूस कीजिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज हमने प्रभु को पूर्ण रूप से अपना समर्पण किया है। आज विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी जिंदगी में इसी वक्त कार्य कर रहा है, इसी वक्त आपके जीवन को पवित्र कर रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज प्रभु को देते हैं वो चीज पावन हो जाती है। आज अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित कीजिए और प्रभु आपके जीवन को पावन कर देगा। हमारे पास कई कॉल्स
और कई मैसेजेस आए प्रभु की स्तुति आराधना के लिए, प्रभु के महान कार्यों को बताने के लिए कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। गवाहियां आई हैं हमारे पास ये बताते हुए कि कैसे प्रभु ने उन लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए, और आज उन लोगों का विश्वास बहुत मजबूत हो गया। विश्वास कीजिए, आज प्रभु आपकी जिंदगी में भी कार्य कर रहा है, आपकी जिंदगी को भी शुद्ध कर रहा है, आपकी जिंदगी को भी पावन कर रहा है। हमारे जिन किसी भाई बहन को हमारी विशेष प्रार्थनाओं की जरूरत है, हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की जाएगी, आपको विशेष रूप से प्रार्थनाओं में याद किया जाएगा। आप भी समर्पण होकर अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन को पावन करेगा और हर एक दुख तकलीफ चिंता बीमारी आपके जीवन से हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कल हम इसी समय एक साथ आएंगे प्रभु की स्तुति आराधना करने, उसके महान कार्यों का बखान करने, उसके दिए हुए हर एक वरदान के लिए उसको पूर्ण रूप से धन्यवाद देने, उसके किए हुए हमारे जिंदगी में हर एक महान कार्यों को उसके लिए धन्यवाद देने, उसके लिए स्तुति आराधना करने, पूर्ण रूप से समर्पित होने हम फिर से एक साथ आएंगे, और प्रभु की शक्तिशाली और प्यारी वाणी को ग्रहण करने, उसको सुनने के लिए हम फिर से आएंगे, हम फिर से एकत्र होंगे ताकि प्रभु हमारी जिंदगी में अपना पावन कार्य करे, ताकि प्रभु हमारी जिंदगी में प्रवेश करे और हमारे हालात को बदल दे। कल हम इसी समय फिर आएंगे प्रभु की स्तुति आराधना करने। सबों को जय यीशु की।